स्वागत है आपका हमारे चैनल पीओबी हॉरर ऑफिशियल चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक रहस्यमय साधक की कहानी। इस कहानी में आपको तंत्र मंत्र और साधना के बारे में पता चलेगा। कहानी में पता करेंगे कि साधक कैसे शक्तियों को पाने के लिए साधना करते हैं। कहानी रोमांचक होने के साथ डरावनी और रहस्य से भरी हुई है। ये कहानी मैंने उपन्यास से ली हुई है जिनके लेखक पंडित श्री अरुण कुमार शर्मा जी हैं। उनकी ही लिखी कहानियों में ये एक कहानी है जिसका पहला पार्ट आपको सुनाने जा रहा हूं। तो आप अपने ईयरफोन हेडफोन लगा लीजिए, चलते हैं कहानी की ओर। सन 1950 ईस्वी पश्चिम बंगाल नवद्वीप का महाश्मशान। उन दिनों मेरे एक बंगाली मित्र थे, नाम था केशव चंद्र सेन। सज्जन और हृदय के कोमल व्यक्ति थे सेन बाबू। सदैव सिर झुकाकर और विनम्र भाव से बात करते थे सभी से, भले ही वह मित्र हो या शत्रु। मेरी मित्रता का एकमात्र आधार यही था, यानी उनका सरल और निश्चल स्वभाव, और उसी स्वभाव के वशीभूत होकर मैं गया था। नदिया उनके पिता की मृत्यु का समाचार पाकर तार में केवल इतना ही लिखा था, पिताजी का साथ हमेशा के लिए छूट गया। मन अशांत है, तुम आ जाओ, अशांत मन को थोड़ी शांति मिलेगी। केशव चंद्र सेन जैसे परम मित्र का ऐसा तार पाकर क्या एक क्षण रुक सकता था मैं? नहीं नहीं, कभी नहीं। दूसरे ही दिन पहुंच गया मैं नदिया। वातावरण में सन्नाटा पसरा था, घर के सामने पानी फैला हुआ था, एक मिट्टी का घड़ा टूटकर बिखरा पड़ा था। समझते देर न लगी, लगभग दौड़ता हुआ श्मशान घाट गया। गंगा किनारे चिता जल रही थी, अपने सगे संबंधियों के साथ एक और पाषाणवत बैठा था सेन और अपलक निहार रहा था अपने पिता की धू धू कर जलती हुई चिता की ओर। चुपचाप जाकर खड़ा हो गया मैं उसके सामने। एक बारगी चौंक पड़ा वह, लगा जैसे गहरी नींद से जगा हो। हाहाकार कर उठा सेन का हृदय, गले से लग रोने लगा फफक कर। चोट गहरी लगी थी इसलिए आंखें पथरा गई थीं, रो नहीं पाया वह। अब मिला था जी भरकर रोने का अवसर उसे। न जाने कब तक रोता रहा और न जाने कब तक भींगता रहा उसके आंसुओं से मेरा सीना। पूरे क्रियाकर्म तक रुकना आवश्यक था मेरे लिए, समाज की दृष्टि से नहीं, मित्रता की दृष्टि से। चार पांच दिन तो लग गए मित्र की आत्मा को समझाने बुझाने में, तब कहीं जाकर अशांत मन शांत हुआ और कम हुआ दुख। फिर न जाने किस प्रेरणा के वशीभूत होकर प्रायः नित्य जाने लगा श्मशान घाट की ओर। नवद्वीप के श्मशान की अपनी एक विशेषता है, और वह यह कि श्मशान के चारों ओर विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे सुगंधित फूलों के मनभावन बाग हैं। सुंदर और स्वच्छ घाट है। बाघों के अलावा नाना प्रकार के वृक्ष सुनियोजित ढंग से लगाए गए हैं। हम दोनों घाट की सीढ़ियों पर घंटों बैठकर मौन सादे कभी आकाश की ओर शून्य में, तो कभी सामने जलती हुई चिताओं की ओर निहारा करते। अब तक सेन का मस्तिष्क काफी हल्का हो चुका था, दुख पीड़ा और व्यथा के बोझ से काफी सहज हो गया था वह। नित्य की भांति उस दिन भी बैठा था मैं सेन के साथ श्मशान घाट की सीढ़ियों पर। सांझ का समय था, आकाश में काले भूरे बादलों के छोटे बड़े टुकड़े तैर रहे थे। गंगा की लहरों से खेलती हुई पुरुवा हवा बह रही थी धीरे धीरे। अब तक गुमसुम बैठा सेन अचानक बोल पड़ा, शर्मा तुम तो कई बार नवद्वीप आए हो, कभी श्मशानेश्वरी काली के मंदिर की ओर गए हो? यह नाम तो पहली बार सुन रहा हूं तुमसे। मैं तो यहां एक ही काली मंदिर को जानता हूं जो श्मशान घाट के रास्ते में है। नहीं नहीं, उस काली मंदिर की बात मैं नहीं कह रहा हूं, सेन तड़क कर बोला। मैं तो श्मशानेश्वरी काली के संबंध में बतलाना चाहता हूं तुमको। यह सुनकर चौंक पड़ा मैं। एक बारगी मेरी खोजी शक्ति जागृत हो उठी सहसा। थोड़ा उत्सुक होकर जिज्ञासु भाव से पूछा, कहां है श्मशानेश्वरी काली का मंदिर? अपने दोनों हाथ की उंगलियों को फंसाते हुए सेन बोला, पूरे 2 मील चलना पड़ेगा, और वह भी पैदल। काफी सुनसान और निर्जन इलाका है वह। रात में क्या, दिन में भी उधर लोग जाने में सहमते हैं। यहां यह बतला देना आवश्यक है कि नवद्वीप श्मशान घाट का क्षेत्र काफी दूर तक फैला हुआ है। चिता जलाने का कोई निश्चित स्थान नहीं है, जिसको जहां इच्छा वहां जला सकता है चिता। उस दिन तो नहीं, तीसरे दिन दोपहर के समय सेन के साथ चल पड़ा मैं श्मशानेश्वरी काली मंदिर। श्मशान की सीमा पार करते करते हल्की हल्की स्याही बिखरने लगी थी सांझ की। आकाश तो साफ था, मगर कहीं कहीं
छोटे मोटे बादलों के टुकड़े इधर उधर भटक अवश्य रहे थे। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, वैसे ही वैसे सन्नाटा भी बढ़ता गया। अब तक गंगा के किनारे से लगकर जाने वाली पगडंडी के रास्ते पर चल रहे थे, लेकिन एक स्थान पर जाकर वह पगडंडी भी समाप्त हो गई। फिर शुरू हो गया जंगली रास्ता, उबड़ खाबड़ और टेढ़ा-मेढ़ा। अब तक सांझ की स्याह चादर पूरी तरह फैल चुकी थी चारों ओर वातावरण में। कुत्तों के भौंकने की आवाज के साथ ही सियारों के संवेद स्वर में रोने की भी आवाज आने लगी थी जंगल की ओर से। मेरा बायां हाथ कसकर पकड़ते हुए धीरे से सेन बोला, डर तो नहीं लग रहा है ना? नहीं, कैसा डर? डरवर मुझे नहीं लगता, ऐसी जगहों पर बहुत घूम चुका हूं मैं। तुम अपनी चिंता करो, थोड़ा हंसकर कहा मैंने, मेरा हाथ छोड़कर पहले की ही तरह धीरे से बोला। सेन, दो बार आ चुका हूं मैं, पहली बार किशोरी बाबू के साथ और दूसरी बार अकेले आया था किशोरी बाबू से ही मिलने के लिए। किशोरी बाबू के नाम का उच्चारण करते समय थोड़ा उत्साहित हो उठा था सेन। उसके उत्साह को भांपते हुए मैंने पूछा, ऐसी क्या खास बात है तुम्हारे किशोरी बाबू में? वह एक अच्छे व्यक्ति हैं, सदा सत्य भाषण करते हैं, उच्च विचार रखते हैं, तंत्र के साधक हैं, मां श्मशानेश्वरी काली उनकी इष्ट देवी हैं। सुनने में तो यह भी आया है कि उनकी साधना अघोर मार्गीय है। थोड़ा रुक कर मैं बोला, क्या तुमने कभी किशोरी बाबू की कोई साधना अपनी आंखों से देखी है? नहीं, ऐसा मौका अभी नहीं मिला, मुझे सेन ने उत्तर दिया। एक बात पूछें, पूछो। साधना के संबंध में तुमने किशोरी बाबू के विचारों को कभी जानने समझने का प्रयत्न किया था? मैंने अपनी ओर से कोई प्रयास इस दिशा में नहीं किया। उन्होंने स्वयं बातचीत के सिलसिले में मुझे बतलाया था कि तंत्र साधना से चित्त शुद्ध और शांत होता है, अपने इष्ट से साधक का सीधा संबंध स्थापित हो जाता है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है तंत्र की। थोड़ा रुक कर सेन आगे बतलाने लगा, तंत्र की साधना तो करते अवश्य हैं किशोरी बाबू, लेकिन न भगवा वस्त्र धारण करते हैं, दाढ़ी भी नहीं रखते, न तो खोपड़ी, नरकंकाल, श्मशान आदि का उपयोग करते हैं। किसी भी प्रकार का आडंबर या पाखंड कहीं नहीं दिखलाई देता उनमें। एक बार महाशय ने मुझसे कहा था, सांसारिक जीवन में रहते हुए भी साधक बहुत कुछ पा लेता है, लेकिन बंधुपूर्ण निष्ठा होनी चाहिए मां के प्रति। सेन की इन बातों से व्यक्तिगत प्रभावित हुए बिना न रह सका मैं। मुझमें किशोरी बाबू से मिलने की इच्छा तीव्र होने लगी। तुमने पहले कभी किशोरी बाबू के विषय में मुझे नहीं बताया? तुम ठहरे बनारस में, साल दो साल में एक बार यहां आते हो, और जब भी मिलते हो हमारी बातचीत का विषय वर्तमान तक ही सीमित रहता है। कहीं अगर तंत्र मंत्र की बात चली और मैं उपहास का पात्र बनूं, ऐसा सोचकर मैंने कभी किशोरी बाबू का जिक्र तुमसे नहीं किया। देखो सेन, तुम तो जानते ही हो कि मेरा इस संसार में जीवन कैसा है। एक शव की जो स्थिति रहती है वही स्थिति लगभग मेरी है इस संसार में। सत्य की खोज करना है इस संसार में। सत्य की खोज मेरी आत्मा का कई जन्मों का संस्कार है। मैं इसी संस्कार के वशीभूत होकर तंत्र मंत्र योग आदि पर खोज कर रहा हूं, जंगल जंगल भटक रहा हूं, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ का चक्कर काट रहा हूं मैं। विज्ञान अपनी जगह पर है और अध्यात्म अपनी जगह। मुझे मेरे देश की हर संस्कृति, परंपरा, चिंतन और प्राचीनता पर गर्व है। गंगा का किनारा थोड़ा अलग हो गया था, थोड़े और घने हो गए थे जंगल, हवा में तेजी आ गई थी, आकाश में बादल भी उमड़ने लगे थे, लगा जैसे कभी भी बारिश हो सकती है। हम दोनों जल्दी जल्दी पैर बढ़ाने लगे टार्च की रोशनी में। सहसा मेरे पैर से होता हुआ एक काला कोबरा सांप तेजी से आगे बढ़ गया था। सारा शरीर सिहर उठा एक बारगी, यहां सांप भी है क्या? हां, बहुत सारे सांप हैं इस जंगल में, सेन ने जवाब दिया। फिर टार्च की रोशनी घुमाई एक बार, उसने चारों ओर और उसी रोशनी में दिख गया मुझे थोड़ी ही दूर पर स्थित काली मंदिर। मंदिर के चारों ओर लंबे लंबे बांसों के झुरमुट, जमीन पर फैली हुई जंगली घास और उन घासों के बीच कभी कभी चमक उठते जुगनुओं के झुंड, री री करता बरसाती झींगुरों का अनवरत क्रंदन। मंदिर काफी पुराना लगा मुझे, जगह जगह पत्थर उखड़ गए थे, ऊपर का शिखर आधा टूट कर लटक गया था एक ओर, झंडा भी रहा होगा कभी लेकिन उस समय नहीं था। चार पांच सीढ़ियां थीं, टूटी फूटी और धूल से भरी। सीढ़ियों के बाद छोटा सा प्रांगण था और उसके बाद मंदिर का गर्भगृह। एकाएक बादल गरजने लगे और छोटी छोटी बूंदें गिरने लगी।
मैं लपक कर प्रांगण में खड़ा हो गया और मेरे साथ सेन भी। उसने झांक कर देखा, गर्भगृह के भीतर गजाधार पर सरसों के तेल का मिट्टी का दीपक जल रहा था। बत्ती थोड़ी मोटी थी, इसलिए प्रकाश कुछ अधिक था। सेन बुदबुदाया, लगता है पुजारी बाबा मंदिर में दीपक जला गए हैं। थोड़ी देर बाद सब कुछ स्पष्ट हुआ। दीपक का हल्का पीला प्रकाश मां श्मशानेश्वरी पर बिखर रहा था। समझते देर न लगी, वह महाशक्ति पंचमुंडी आसन पर स्थापित थी। हल्का सा रोमांच हो आया, सनसना उठा सारा शरीर एक बारगी। काले पाषाण की आदमकद महामाया की प्रतिमा बिल्कुल सजीव लगी मुझे। अन्य काली के रूपों से उसमें काफी भिन्नता थी। मां का चेहरा अधिक भयानक था, बड़े बड़े स्थिर नेत्र जिनमें करुणा, दया, अनुकंपा और स्नेह का सागर लहरा था। क्रोध की मात्रा भी कम न थी वहां, मुख थोड़ा खुला हुआ था। सफेद दंत पंक्तियों के बीच फंसी जीभ बाहर निकली हुई थी। लपलपाती जीभ को देखकर लगा मानो भगवती ने अभी अभी किसी नरपशु का शोणित पान किया है। भय लगा देखकर, गले से लेकर पैरों तक झूलती हुई नरमुंड माला। श्रद्धा से नत हो गया मस्तक। पंचमुंडी आसन त्रिकोणात्मक था और उस पर चिता का रूप बना था और उस पर रखा हुआ था शव जिस पर आरूढ़ थी जगजननी ब्रह्मांड रूपिणी महामाया श्मशानेश्वरी। मां के आठ हाथ थे। दाहिने ओर के चारों हाथ में क्रमशः खड्ग, त्रिशूल, खप्पर और नरमुंड था। बाएं ओर चारों हाथ में से पहला हाथ वृद्ध मुद्रा में था। इसी प्रकार चौथा हाथ था अभय मुद्रा में। बीच के दोनों हाथों में क्रमशः नागपाश और कैंची थी। सब कुछ देखकर समझते देर न लगी मुझे। काली और तारा दस महाविद्याओं में श्रेष्ठ विद्याएं हैं। उन्हीं दोनों विद्याओं का मिश्रित रूप था श्मशानेश्वरी का, इसमें संदेह नहीं। सिर घुमाकर चारों ओर देखा, मां के आसन से टिकाकर एक काफी बड़ा खड्ग रखा था जिस पर कभी का लगा किसी पशु का रक्त सूख कर काला पड़ गया था। अब ऊपर एक छोटा सा घंटा टंगा हुआ था जो काफी पुराना था और जिस पर काफी मैल जमा था न जाने कब का। जमीन पर आसन बिछा था, शायद पुजारी बाबा का रहा होगा वह। बाहर हवा तेज थी, बांस के पेड़ झूम रहे थे, बारिश भी अब तेज हो गई थी। रात का पहला प्रहर समाप्त ही होने वाला था, अब क्या होगा। बुरी तरह फंस गया था। सेन की ओर देखा, बार बार सिर को चारों ओर घुमा घुमा कर न जाने क्या देख रहा था। क्या बात है बंधु, होठों पर उंगली रखकर धीरे से बोला, शांत रहो, किशोरी बाबू आते ही होंगे, समय हो गया है। इस समय, इस अराजकता भरी रात में, थोड़ा आश्चर्य हुआ मुझे। सेन ने कोई उत्तर नहीं दिया, सिर घुमाना जारी रखा उसने। एकाएक तड़कदार बिजली चमकी और गरजने लगे। बादल और कुछ ही क्षणों के बाद उस घोर निस्तब्ध जंगली वातावरण में सुनाई दिया। जय मां तारा, जय मां काली, किशोरी बाबू आ गए, सेन फुसफुसाकर बोला। कुछ क्षण बाद अंधेरे उजाले के बीच देखा, एक प्रौढ़ सज्जन खड़े थे सामने। लंबी चौड़ी कद काठी, शरीर पर धोती कुर्ता, गले में रुद्राक्ष की माला और पैर में चप्पल, आंखों पर काले फ्रेम का चश्मा, मस्तक पर सिंदूर का गोल टीका और कंधे तक झूलती केश राशि, यही थे किशोरी बाबू। अरे सेन, तुम इस समय यहां कैसे, कैसे आना हुआ, ये कौन है साथ में, मेरी ओर देखकर किशोरी बाबू ने प्रश्न किया। आश्चर्य का भाव था उनके प्रश्न में। सेन ने विनम्र भाव से सिर झुकाकर प्रणाम किया और फिर किया दोनों हाथों से चरण स्पर्श। मैंने भी दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया किशोरी बाबू को। शुभ शुभ, दोनों हाथ ऊपर उठाकर किशोरी बाबू ने आशीर्वाद दिया। सेन ने मेरा परिचय दिया और अंत में कहा, अध्यात्म में गहरी रुचि है, आपका दर्शन करना चाहते थे। अच्छा अच्छा, किशोरी बाबू बोले, मैं थोड़ा मां का दर्शन कर लूं, फिर बातें होगी। मंदिर के भीतर जाकर दरवाजा बंद कर लिया किशोरी बाबू ने। 15-20 मिनट के बाद दरवाजा खुला, वे बाहर निकले। देखा, उस समय उनका चेहरा खूब लाल हो रहा था, आंखें भी भरभरा आई थीं। न जाने क्यों थोड़ा सहम गया मैं। बारिश होनी ही थी और हो भी रही थी खूब जोर जोर से, रह रहकर बादल भी गरज उठते थे। सेन थोड़ा पीछे हट गया और उसी के साथ मैं भी। किशोरी बाबू ने बाहर निकलकर एक बार चारों तरफ देखा और फिर बोले, पूरी रात तांडव करेगी प्रकृति, यहीं रुकना पड़ेगा अब, दूसरा कोई मार्ग नहीं था। दीवार से पीठ लगाकर किशोरी बाबू बैठ गए जमीन पर, हम दोनों भी बैठ गए। मेरे भीतर कौतूहल की सृष्टि हो गई थी, तरह तरह की जिज्ञासाओं की लहरें उठ रही थी मन के सागर में। अंत में प्रश्न कर ही बैठा, काफी पुराना लगता है ये मंदिर, आपका क्या ख्याल है।
लगभग 400 वर्ष और इतना ही पुराना है इस मंदिर से मेरा संबंध भी। चौंकना स्वाभाविक था। समझा नहीं, मैं बोला। कैसे समझोगे? बहुत गहरा रहस्य है। व्यग्र होने की आवश्यकता नहीं, बतलाऊंगा सब कुछ। इतना कहकर लंबी सांस ली किशोरी बाबू ने। क्या यहां बलि भी होती है? मेरा दूसरा प्रश्न था। हां, लेकिन अब नहीं, पहले खूब होती थी, कभी कभी नरबलि भी होती थी। ये सुनकर कुछ क्षण चुप रहने के बाद मैं बोला, बलि का अभिप्राय क्या है? और फिर काली अथवा उनके किसी प्रतिरूप के सम्मुख ही क्यों दी जाती है बलि? कभी कोई ऐसा भी गूढ़ प्रश्न करेगा? शायद कभी सोचे भी ना रहे होंगे किशोरी बाबू। उस म्लान अंधियारे में कुछ देर तक मेरी ओर स्थिर भाव से देखते रहे और फिर बोले, वह वैसे तो तुम्हारी जिज्ञासा बहुत ही महत्वपूर्ण है और साथ ही गंभीर भी। यदि उसका समाधान किया जाए तो विस्तार में जाना पड़ेगा, इसलिए मोटा मोटी बतला देता हूं। सृष्टि के मूल में जो आदिशक्ति है, जिसे परमा शक्ति, महामाया आदि नामों से संबोधित किया गया है, वह आदिशक्ति परमा सृष्टि की दृष्टि से गुणत्रय है, यानी सत्व, रज और तम। वैदिक दृष्टि से शिव तो भूत तत्व है, लेकिन परमा शक्ति देव तत्व है। वैदिक साधना भूमि में वही देव तत्व मन, प्राण और वाक, इन तीनों रूपों में विभक्त है। तांत्रिक दृष्टि में ये तीनों रूप क्रमशः इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति हैं। तांत्रिक साधना की सगुणोपासना भूमि में ये तीनों रूप क्रमशः महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती है। ये तीनों शक्ति विग्रह तंत्र साधना के मूल भित्ति हैं। ह्रीं, क्लीन और ऐन इन तीनों विग्रहों का बीजाक्षर रूप है। इसी प्रकार इनके मंत्र रूप भी हैं। परमाशक्ति की चर्चा की थी मैंने। किशोरी बाबू थोड़ा ठहर कर लंबी सांस लेते हुए आगे बोले, परमा परब्रह्म परमेश्वर की निज शक्ति परमेश्वरी है। वह उनकी योग माया है, परमेश्वर की समस्त लीलाओं का आधार। इसी आधार को परा कहते हैं। पराशक्ति महामाया परमेश्वरी का साकार विग्रह महाकाली है। महाकाल का जो प्रवाह है वह प्राण है, और उस प्राण के प्रवाह की जो गति है वह है प्राण शक्ति। प्राण शक्ति से एक विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा कहते हैं, जो सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है। आज के वैज्ञानिक उसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ईथर कहते हैं। प्राण के प्रवाह में एक परम तत्व उत्पन्न होता है, और वह परम तत्व है चेतन तत्व, यानी चेतना। इस दृष्टि से महाकाली चेतना स्वरूप भी है। मानव शरीर में चेतना का स्थान हृदय है। यहां काली का अगला उठा हुआ चरण शिव के हृदय पर स्थित है। चेतना हृदय संस्थित, महाकाली का आगे बढ़ा हुआ पैर गति का सूचक है। महाकाली ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र है। तांत्रिक विधि से पंचमुंडी आसन का निर्माण करने के पश्चात जब महाकाल की शक्ति महाकाली के विग्रह को उस महाआसन पर स्थापित किया जाता है, और स्थापना के पश्चात उस विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तो उस अवस्था विशेष में उस विग्रह का अगोचर संबंध तत्काल ब्रह्मांडीय ऊर्जा से स्थापित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप चेतन तत्व और प्राण तत्व का भी आविर्भाव हो जाता है विग्रह में। यदि साधना की दृष्टि से विचार किया जाए तो काली के विग्रह में चेतन तत्व, प्राण तत्व, ब्रह्मांडीय तत्व, इन तीनों मूल परम तत्वों का समन्वय है। वह महापरमा शक्ति तीनों का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसा अन्य किसी शक्ति विग्रह में उपलब्ध नहीं है, और एकमात्र यही कारण है कि तांत्रिक साधना भूमि में जितनी भी देवियां हैं उनमें महाकाली का स्थान सर्वोपरि है। इनकी एक और महत्वपूर्ण विशेषता है, और वह यह कि वैदिक, पौराणिक एवं तांत्रिक इन तीनों मार्ग से इनकी पूजा, अर्चना, उपासना आदि की जा सकती है। महाकाली तमोगुणी शक्ति है, इसलिए तमोगुणी तांत्रिक विधि से इनकी साधना और उपासना आदि की जानी चाहिए, किंतु राजसी और सात्विक विधि से ही इनकी साधना और उपासना का मार्ग खुला है, जबकि अन्य देवी देवताओं के लिए संभव नहीं। ऊपर सिर उठाकर जम्हाई लेते हुए किशोरी बाबू आगे बोले, बलि क्यों दी जाती है, यह प्रश्न था तुम्हारा। हां, मैंने सिर हिलाकर उत्तर दिया। कुछ लोग जम्हाई लेते समय छुटकी बजाते हैं। किशोरी बाबू ने भी बजाया और बोले, महामाया परमाशक्ति महाकाली की पूजा, अर्चना अथवा उपासना आदि में अनाधिकार चेष्टा होती है, या उनमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है, या फिर कोई शूद्र स्वपच या चांडाल विग्रह का स्पर्श करता है, ऐसी स्थिति में ब्रह्मांडीय ऊर्जा से विग्रह का अगोचर संबंध भंग होने की भारी संभावना होती है। ब्रह्मांड में
अनंत दैवी शक्तियां क्रियाशील हैं, जिनका संपर्क ब्रह्मांडीय ऊर्जा के द्वारा काली के विग्रह से बराबर बना रहता है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा से बराबर विग्रह का संबंध बना रहे और ब्रह्मांड में क्रियाशील अनंत शक्तियों का संपर्क भी बराबर बना रहे, इसके लिए मां काली के विग्रह के सम्मुख पशु बलि दी जाती है। पशुओं में भैंसे और बकरे में सर्वाधिक प्राण ऊर्जा होती है, इसलिए इन दोनों पशुओं की बलि सर्वाधिक दी जाती है। बलिदान होने पर पशु से विकीर्ण प्राण ऊर्जा विग्रह में धीरे धीरे समा जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रह्मांडीय ऊर्जा से संबंध भंग होने की संभावना समाप्त हो ही जाती है। इसके अतिरिक्त प्राण शक्ति और चेतना शक्ति भी क्रियाशील हो उठती है। एक बारगी काली के विग्रह में पंचमुंडी आसन पर स्थापित महाकाली के विग्रह के सम्मुख उनके तीसरे नेत्र पर गण को एकाग्र कर, जो उनका ध्यान अथवा उनके बीजाक्षर मंत्र का जप करता है, उस पर मां महामाया की तत्काल कृपा होती है। सचमुच कलयुग में महाकाली के अतिरिक्त और कहीं कुछ नहीं है। उनके आध्यात्मिक स्वरूप का रहस्य अत्यंत गहन और अत्यंत रहस्यमय है, उसे समझना सभी के वश की बात नहीं। मां काली की कृपा जिस पर होती है वही जान समझ सकता है उसे। इतना बोलकर मौन साध गए किशोरी बाबू और न जाने किस लोक में विचरण करने लगे। अब तक काले भूरे बादलों से अटकर काला पड़ गया था आकाश। हाहाकार करती हवा के जोर पर झूम रहे थे जंगली पेड़ पौधे। एकाएक कड़कड़ाती हुई बिजली चमकी और दूर दिगंत तक प्रकाश में उद्भासित हो उठा सारा विस्तार। दीवार से टेक लगाकर ऊंघने लगा था सेन। मैं तो सिर झुकाए सोच रहा था किशोरी बाबू के संबंध में। कितना ज्ञान और कितना पांडित्य भरा है किशोरी बाबू में। सचमुच अच्छे साधक हैं महाशय, देखे क्या क्या उपलब्ध होता है उनसे। एकाएक मेरी दृष्टि घूम गई सीढ़ी की ओर। एक बारगी चौंक पड़ा, सारा शरीर रोमांचित हो उठा भय से। न जाने कहां और किधर से काफी मोटा लंबा काला सर्प तीव्र गति से चलकर वहां आ गया। बड़ा ही भयानक सर्प था वह। उसकी लाल हो रही आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं। जीभ लपलपाता हुआ मंदिर के भीतर चला गया वह भयंकर विषधर। उस समय भय मिश्रित घोर आश्चर्य हुआ जब मंदिर के भीतर देवी की स्तुति करने की आवाज सुनाई दी मुझे। स्वर बड़ा ही कोमल और करुण था, इसमें संदेह नहीं। थोड़ी ही देर के बाद स्तुति बंद हो गई और उसके बाद किसी के हिलक हिलक कर रोने की आवाज आई भीतर से। फिर सन्नाटा छा गया मंदिर के भीतर। कौन था स्तुति गान करने वाला और कौन रो रहा था हिलक हिलक कर, समझ में नहीं आ रहा था। सेन का सिर एक ओर लटक गया था, नाक भी बोलने लगी थी घर्र घर्र। शायद गहरी नींद में चला गया था वह, काफी थक भी तो गया था। कुछ देर बाद चैतन्य हुए किशोरी बाबू। सिर घुमाकर चारों ओर देखा और फिर बोले, क्या हुआ? मैंने सारी बातें बतलाई, सर्प की, स्तुति की और किसी के विगलित कंठ से रोने की। सब कुछ सुनकर थोड़ा गंभीर हुए किशोरी बाबू। फिर मंदिर के भीतर की ओर देखते हुए बोले, चक्रेश्वरी बाबा थे वह। यह सुनकर चिहूक उठा एक बारगी मैं। इंद्रजाल सा लगा मुझे सब कुछ। जमहाई लेते हुए किशोरी बाबू आगे कहने लगे, तुम बहुत भाग्यवान हो। एक उच्च कोटि के महान तंत्र साधक का सर्पयोनि में तुम्हें दर्शन लाभ हुआ और उनका स्तुतिगान भी सुनने को मिला। अपने आप को सार्थक समझो तुम, जीवन कृतार्थ हो गया रे तेरा। यह सुनकर आश्चर्य कौतूहल और साथ ही भय से भर उठा मैं। क्या वास्तव में उस भयंकर विषधर के रूप में एक परम और महान साधक था कोई? बार बार यही प्रश्न उभरने लगा मेरे मस्तिष्क में। किशोरी बाबू ने जो कुछ बतलाया वह क्या असत्य हो सकता है? नहीं नहीं, कभी नहीं, आगे कहने लगे किशोरी बाबू। लगभग 400 वर्ष पूर्व आए थे न जाने कहां से इस स्थान पर चक्रेश्वरी बाबा। उस समय यह जंगल काफी लंबा चौड़ा और घना था। सांप और जंगली जानवरों के भय से रात की बात छोड़ो, दिन में भी इधर कभी कदा ही कोई चला आता था। जो आता था वह लकड़ी काटने के लिए आता था। उस समय इसी स्थान पर रहकर चक्रेश्वरी बाबा ने साधना की थी महाकाली की, पूरे 40 वर्ष समझे, और जब उनके शरीर की सीमा समाप्त हो गई तो उसे त्याग कर सर्प योनि ग्रहण कर लिया, इसीलिए कि उनकी साधना पूर्ण नहीं हुई थी अभी। कहने की आवश्यकता नहीं, तब से लेकर आज तक सर्प शरीर में रहते हुए साधना कर रहे हैं महाशय। सर्प के रूप में इस जंगल में कहां और किस स्थान पर रहते हैं चक्रेश्वरी बाबा, ये बतलाना कठिन है। लेकिन मां महामाया के प्रति उनके हृदय में गहरा मोह है
और उसी मोह के कारण नित्य काल रात्रि के समय मां का दर्शन करने चले आते हैं और उनका स्तुतिगान करते हैं। विगलित होने का कारण यही समझ में आता है कि उस परम साधक की साधना संभवतः अभी पूरी नहीं हुई है। हाँ, एक बात तो बतलाना भूल ही गया था मैं, और वह यह कि चक्रेश्वरी बाबा की इच्छा शक्ति अत्यंत प्रबल है, इसमें संदेह नहीं। कभी कदा अपनी उसी प्रबल इच्छा शक्ति के बल पर अपने पूर्व शरीर में प्रकट भी हो जाया करते हैं। कई लोगों को उन्होंने दर्शन दिया है अपने मानव शरीर द्वारा। इस प्रकार क्या आपको कभी दर्शन दिया है उस परम साधक ने? मेरे प्रश्न का उत्तर तो नहीं दिया किशोरी बाबू ने, लेकिन काफी देर तक सिर उठाकर आकाश की ओर शून्य में न जाने क्या देखते रहे वह। उनके चेहरे पर न जाने कैसा भाव उभर आया था उस समय, जिसे देखकर फिर साहस नहीं हुआ दोबारा प्रश्न करने का। थोड़ी देर बाद सहज हो गए किशोरी बाबू और फिर चल पड़ा सिलसिला बातचीत का। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस काली मंदिर को कम से कम 1000 वर्ष प्राचीन होना ही चाहिए, सहज भाव से अपनी जिज्ञासा प्रकट की मैंने। ठीक अनुमान लगाया तुमने, इससे भी अधिक हो सकता है, इतना कहकर चुप हो गए किशोरी बाबू। न जाने क्या सोचते रहे, फिर थोड़ी देर बाद बोले, 25 वर्ष पहले मुझे एक तांत्रिक सन्यासी असम में मिले थे, अत्यंत वृद्ध थे, नाम था शायद पूर्णागिरी। प्रसंगवश उन्होंने मुझे बतलाया था कि एक महात्मा मुर्शिदाबाद से कलकत्ता होते हुए कामरूप कामाख्या आए और कामाख्या पीठ में रहकर पूरे 30 वर्ष तंत्र की कठोर साधना की। एक बार समाधि की अवस्था में भगवती कामाख्या ने महात्मा को दर्शन दिया और बोली, कामदगिरी पर्वत की एक गुफा में अष्टभुजा काली की पाषाण मूर्ति है, उसे ले जाकर नवद्वीप के महाश्मशान के निकट जो घोर जंगल है, उसी जंगल में पंचमुंडी आसन का निर्माण कर उस पर मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठित करना और वहां ही रहकर साधना करना। फिर क्या हुआ? मैं थोड़ा व्यग्र हो उठा। होगा क्या, महात्मा ने मां के आदेश का पालन किया। कामदगिरी गुफा में न जाने कब की पड़ी थी अष्टभुजा काली की मूर्ति, किसी प्रकार गुफा से निकाल कर ले गए महात्मा उस जंगल में और मां के आदेशानुसार उसकी स्थापना कर दी और साधना करने लगे वह। महात्मा निश्चय कोई सिद्ध पुरुष थे, मां महामाया महाकाली की अपूर्व कृपा थी उन पर, अप्रोक्ष रूप से बराबर महात्मा की सहायता करती रहती थी। निश्चय ही मां की प्रेरणा और सहयोग से इस मंदिर का निर्माण हुआ होगा, इसमें संदेह नहीं। पूर्णागिरी ने तो यह भी बतलाया कि प्रत्येक अमावस्या की रात्रि में स्वयं बलि पशु आकर मां काली के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो जाता था। महात्मा उस बलि पशु की विधिवत पूजन करते और उसकी बलि देते। बहुत समय तक ऐसा चलता रहा। बाद में पशु का आना स्वयं बंद हो गया। उसके बाद 10 वर्ष तक प्रत्येक दीपावली की रात में एक नवयुवक आने लगा और महात्मा के हाथ में बलि खड्ग थमाकर याचना की मुद्रा में कहता, मेरी दे दे मां के चरणों में बलि, जगत से उद्धार हो जाएगा मेरी आत्मा का। 10 वर्ष के बाद नरबलि भी बंद हो गई, लेकिन नर रक्त पान करने वाला, शरीर से आत्मा को मुक्त करने वाला और नरबलि का मूक साक्षी व विकराल खड्ग अभी भी मां महामाया के साथ है, उसे कोई छूता तक नहीं। जो आता है सिर झुकाकर प्रणाम करता है, भय से नहीं श्रद्धा से। सवेरा होने वाला था, बारिश बंद हो चुकी थी, आकाश में बादलों के झुंड इधर उधर बिखर गए थे, लेकिन हवा में तेजी थी, पेड़ पौधे अभी भी झूम रहे थे, उनकी डालों पर पक्षी चहचहाने लगे थे, पूरा वन प्रांत चैतन्य हो उठा था। अब सेन जाग चुका था, आंखें मलकर चारों तरफ देखा और फिर थोड़ा लज्जित होकर किशोरी बाबू के चरणों का स्पर्श किया झुककर उसने। मेरे मस्तिष्क में न जाने कितने प्रश्न और न जाने कितनी जिज्ञासाएं उमड़ घुमड़ रही थीं, बतला नहीं सकता। निश्चय ही किशोरी बाबू एक प्रच्छन्न साधक और दिव्य आत्मा थे, इसमें संदेह नहीं। उनके आध्यात्मिक स्वरूप को समझने में देर नहीं लगी थी मुझे। नवद्वीप में अपना मकान था, किशोरी बाबू की पत्नी साथ छोड़कर परलोकवास कर रही थी, 2 पुत्र थे और उन दोनों की पत्नियां थीं सुशील विनम्र और मृदुभाषिणी। दोनों पुत्र मछली का व्यापार करते थे, पिता के प्रति उन दोनों का भाव देवतुल्य था। आग्रह कर किशोरी बाबू अपने घर ले गए सेन को और मुझे भी। मकान काफी लंबा चौड़ा था, सामने हरा भरा बाग था, केले के कई पेड़ थे। किशोरी बाबू का कमरा ऊपर की मंजिल पर था, सबसे अलग थलग एकांत में। कमरा काफी बड़ा था, दोनों ओर ऊंची ऊंची खिड़कियां थीं, जिनमें से बाग की ओर से ताजी हवा भीतर आ रही थी।
कमरे में एक और पुराने जमाने का काफी बड़ा पलंग था जिस पर सफेद चादर बिछी थी। पलंग के बगल में पुराने जमाने का ही एक बड़ा सा गोल मेज और उसके अगल बगल तीन चार कुर्सियां पड़ी थीं। कमरे का वातावरण स्वच्छ और शांत था। पलंग के ठीक सामने दोनों खिड़कियों के बीच एक लंबे चौड़े सुनहरे रंग के कीमती फ्रेम में किसी महापुरुष का तेलचित्र टंगा हुआ था। निश्चय ही असाधारण और प्रभावशाली चित्र था वह, इसमें संदेह नहीं। फिर आने को बोलकर सेन अपने घर चला गया था। किशोरी बाबू भी मुझे कमरे में अकेला छोड़कर किसी काम से नीचे चले गए थे। मैं अकेला था कमरे में और मेरे सामने था वह तेलचित्र। जिस महापुरुष का वह चित्र था उसमें गजब का आकर्षण था। मन प्राण अविभूत हो रहा था। जैसे मैं खड़ा खड़ा अपलक निहारने लगा था, अब चित्र के रूप में प्रतिष्ठित उक्त महापुरुष को, चौड़ा ललाट धुनी हुई रुई की तरह सिर के बाल, लंबी सफेद दाढ़ी, लंबी नाक तोते जैसी और आंखें। हे भगवान, कैसी थी आंखें! बाधिन जैसी पीली और चमकदार। क्रूरता मिश्रित भय के साथ साथ करुणा और अनुकंपा का भी भाव था बाधिन जैसी उन आंखों में। किस व्यक्ति का था वह चित्र? कौन था वह? न जाने कब पीछे आकर खड़े हो गए। किशोरी बाबू पता ही न चला, हंसकर बोले, ये मेरे गुरुदेव हैं। अच्छा, बड़ा ही सजीव चित्र है गुरुदेव का, मैंने कहा। सिर घुमाकर किशोरी बाबू की ओर देखते हुए मैं सहज भाव से बोला, आप तांत्रिक जैसे लगते नहीं, धोती कुर्ता पहनते हैं। बिल्कुल साधारण वेशभूषा और रहन सहन, रुद्राक्ष की माला, नरमुंड, शराब की बोतल, रक्त वसंत त्रिशूल, कुछ भी तो नहीं है आपके पास? मेरी बात सुनकर हो हो कर हंसने लगे कि किशोरी बाबू, फिर बोले, गृहस्थ जीवन में साधना नहीं हो सकती क्या? अपनी अपनी समझ है। जहां तक मेरा विचार है उसके अनुसार गृहस्थ जीवन में रहकर साधना करने वाला साधक सच्चा साधक होता है। वह परिपक्व होता है। नदी की धारा में बहना सरल है, श्रम नहीं करना पड़ता, लेकिन विपरीत धारा में बहना बहुत कठिन और श्रम साध्य है। ऐसा ही समझो, गृहस्थ रहकर साधना करना उल्टी धारा में बहने के समान है। भौतिक वातावरण में रहिए, भौतिक सुखों का आनंद लीजिए, भौतिक वस्तुओं का उपयोग करिए। कौन भला मना करता है, लेकिन निर्लिप्त रहिए, निर्विकार रहिए, निरपेक्ष रहिए। ऐसी स्थिति में जो साधना होगी वह अपने आप में महत्वपूर्ण होगी, लक्ष्य को प्राप्त करने में देर न लगेगी। साधक को तो ऐसा होना चाहिए कि किसी को पता ही ना चले कि वह साधक है, माता पिता और पत्नी तक को नहीं। सच पूछा जाए तो सच्चा साधक होगा वह, कभी भी अपने स्वरूप की व्यक्त नहीं करेगा और न तो कभी किसी को बतलाएगा अपने विषय में। किसी भी प्रकार का आडंबर और पाखंड भी नहीं करेगा, सदैव उससे दूर ही रहेगा वह। अब रही बात दंड, कमंडल, माला, आसन, त्रिशूल, रक्त, वस्त्र धारण, श्मशान निवास, श्मशान साधना, चिता साधना, शव पूजन, मांस मदिरा, भक्षण, मुद्रा, मैथुन, भैरवी के रूप में नारी का भोग, भैरवी पूजा। किशोरी बाबू पलंग पर बैठते हुए बोले, शर्मा जी मैं स्वीकार करता चक्र पूजा, चक्रार्चन आदि की हूं कि ये सभी वस्तुएं तंत्र की बहिरंग साधना के अति मूल्यवान, अति महत्वपूर्ण और विशिष्ट अंग हैं, किंतु है अपने आप में गूढ़, गोपनीय और अत्यंत रहस्यमय। जो लोग उनकी गूढ़ता को समझे बिना उनके रहस्यों से परिचित हुए और बिना यौगिक क्रियाओं का आश्रय लिए इनका उपयोग अथवा प्रयोग करते हैं, उनका परिणाम अत्यंत भयंकर होता है। उनकी दुर्गति भी कम नहीं होती है, जीवन नर्क बन जाता है। ऐसे ही लोगों के द्वारा तंत्र मंत्र के नाम पर आडंबर और पाखंड का जन्म होता है, जिसका परिणाम होता है तंत्र की बदनामी। आजकल चारों तरफ तंत्र मंत्र की जो बदनामी हो रही है, इसका कारण एकमात्र यही है, तांत्रिक के साथ भय और हानिकारक तत्व जैसे शब्द जुड़ गए हैं। इतना कहकर किशोरी बाबू ने नौकर को आवाज दी। सेन भी उसी समय आ गया। दोपहर का समय था। नौकर, तीन थाली में गरम गरम पहले कुछ सेवा करो, बातें फिर होगी। वह भोजन पूड़ी, सब्जी, रसगुल्ला और दही का रायता ले आया। बंगाल में वैष्णव लोग भोजन की क्रिया को सेवा करना कहते हैं। भोजन का कार्य समाप्त होने पर एक जम्हाई लेते हैं, पांच बार चुटकी बजाई और कहने लगे, तंत्र एक प्रकृष्ट विज्ञान है। प्रकृष्ट विज्ञान उसे कहते हैं जिसके सिद्धांत कभी नहीं बदलते, हर अवस्था में और काल में एक से ही रहते हैं। तंत्र विज्ञान के दो आधार स्तंभ हैं, उपासना और योग। इन दोनों के आश्रय से साधना संपन्न होती है। तांत्रिक साधना का पहला उद्देश्य है सामरस्य महामिलन, यानी परमात्मा में आत्मा का विलीनीकरण। दूसरा उद्देश्य है अपने इष्ट
अपने आराध्य से बराबर संपर्क स्थापित किए रहना। तीसरा उद्देश्य है इष्ट के संकेत अथवा आदेश द्वारा ही किसी का कल्याण करना। चौथा उद्देश्य है चोर, कपटी, असत्यवादी, हत्यारा और किसी भी प्रकार का और कृतघ्नों की सहायता न करना। इससे स्वयं साधक का पुण्य क्षीण होता है। साधक के लिए मौन रहना अच्छा है। कब क्या मुंह से निकल जाए कहां नहीं जा सकता। मुंह से निकला शब्द सत्य भी हो सकता है। कम से कम बोलना चाहिए। एकांत में रहना हितकर। क्रोध, शोक, मोह आदि से बचना चाहिए। किशोरी बाबू ने बगल में रखे चांदी के पान डब्बे को खोला और एक बीड़ा पान निकालकर मुंह में डाला और काफी देर तक मुंह में इधर उधर पान चबाते रहे और फिर कहने लगे, तंत्र के कई संप्रदाय हैं किंतु साधना के मुख्य दो ही मार्ग हैं, सात्विक मार्ग और तामसिक मार्ग। सात्विक मार्ग की साधना में तंत्र के साथ ज्ञान योग, भक्ति योग का समन्वय है। तामसिक मार्ग एक अति जटिल प्रक्रिया है। तामसिक मार्ग पर चलना समझो तलवार की धार पर चलना है। जरा सी भी चूक हुई कि गए नीचे। तामसिक मार्ग में भी योग की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें हठ योग, लय योग, मंत्र योग, ध्यान योग और क्रिया योग का समन्वय है। बिना इन पंच योगों का सहयोग लिए तामसिक मार्ग पर एक पग भी चला नहीं जा सकता। इनके बिना जो लोग पंचमकार का स्वच्छंद प्रयोग करते हैं वे वैसे ही हैं जैसे बिना सुगंध का फूल। फूल कितना भी सुंदर और आकर्षक हो यदि उसमें सुगंध नहीं है तो वह व्यर्थ है। आजकल जो अपने आप को तांत्रिक कहते हैं वे बिना सुगंध के फूल हैं। उनके पास केवल आडंबर है, पाखंड है। साधना उपासना नाम की कोई चीज नहीं है। ऐसे लोगों को दूर से ही प्रणाम करना चाहिए। सच पूछा जाए तो ऐसे आडंबरी और पाखंडी तंत्र साधक वास्तव में साधक नहीं। साधक समाज के लिए कलंक के सिवाय और कुछ नहीं है। पान को जंगले के बाहर थूकते हुए काली बाबू ने कहा, तंत्र का अर्थ ही है त्राण करना, कल्याण करना, उद्धार करना और दैवी आपदा विपदा से बचाना। सच्चे सिद्ध तंत्र साधक कभी भी किसी का अमंगल नहीं करते, अमंगल करना चाहते भी नहीं। वे तो करते हैं सभी का किसी न किसी रूप में कल्याण ही। पान थूकने के बाद खिड़की से बाहर आकाश की ओर देखते हुए किशोरी बाबू आगे कहने लगे, तंत्र साधना साधक को भय, क्रोध, माया मोह, वासना, कामना आदि से मुक्त कर देती है। वह समस्त बंधनों से मुक्त होता है। उसकी इंद्रियां उसके वश में होती हैं। प्रायः ऐसे भी महाप्रभु इस संसार में हैं जो तंत्र को एक चमत्कारी विद्या अथवा काली विद्या समझते हैं, लेकिन बात ऐसी नहीं है। सब भ्रम है। तंत्र तो मनुष्य के अंतरात्मा में मनुष्यत्व का दीप जलाता है, जिसके प्रकाश में वह उस परम्भ अवस्था को उपलब्ध होता है जिसे योग की भाषा में परम पद अथवा धर्म निर्वाण कहते हैं। उसी समय कमरे में एक युवती ने प्रवेश किया। उसके हाथ में चाय की ट्रे थी। गोरे रंग की वह युवती अति सुंदर थी। लाल चौड़े पाड़ की ताड केशवरी साड़ी पहने थी वह। साथ में दो बच्चे भी आ गए कमरे में। एक लड़की थी 6-7 साल की और एक था लड़का जिसकी आयु 4 साल से अधिक नहीं थी। दोनों शांत और गंभीर स्वभाव के लगे मुझे। किशोरी बाबू हंसकर बोले, अरे बहू चाय ले आई? अच्छा अच्छा, कितना ख्याल रखती हो तुम मेरा। किशोरी बाबू थोड़ा रुके और फिर बोले, शर्मा जी, ये मेरी बड़ी बहू है अनामिका और ये दोनों है मेरी पौत्री दीपिका और पौत्र दीपेश। दोनों बच्चे बहुत सुंदर थे, सभ्य और सुसंस्कृत भी लगे मुझे। तभी किशोरी बाबू के बड़े लड़के श्यामल बाबू आ गए। सुदर्शन युवक थे श्यामल बाबू, सहज सरल स्वभाव और विनम्र। पिता का चरण स्पर्श कर श्यामल बाबू ने उनसे कुछ व्यक्तिगत बातें की थीं और फिर हम लोगों को प्रणाम कर पत्नी और बच्चों के साथ चले गए। अपनत्व भरे घरेलू वातावरण के बीच मुझे लग ही नहीं रहा था कि एक परम तंत्र साधक के साथ सत्संग कर रहा हूं मैं। अपराह्न का 4 बजने वाला था। पूरे 7 घंटे का समय कैसे व्यतीत हो गया पता ही नहीं चला। सत्संग के अंतर्गत प्रसंग ऐसा था जिसने मेरे मन में नाना प्रकार की जिज्ञासाएं उत्पन्न कर दी थीं और कर दी थी कौतूहल की सृष्टि भी। संभवतः मेरे मन के भाव को समझ गए किशोरी बाबू। एक बार मेरी ओर देखा, जम्हाई ली और फिर चुटकी बजाई। थोड़ा रुके फिर बोले, केशव के पिता के अंतिम कर्म तक तो रुकना ही होगा तुम्हें। मैंने सिर हिलाकर कहा, हां रुकना तो पड़ेगा ही, केशव अकेला है, मेरे रहने से उसे थोड़ा बल मिलेगा, सारा बोझ है उस पर। ऐसी अवस्था में एक मित्र को कैसे अकेला छोड़ा जा सकता है।
मेरी बात सुनकर किशोरी बाबू बोले, तब तो तुम जब इच्छा हो आ सकते हो, मेरे लिए भी अच्छा ही रहेगा। सोचूंगा, बहुत दिनों बाद कोई मिला समझने बूझने वाला। इतना कहकर हंसने लगे किशोरी बाबू। मैं उठा और किशोरी बाबू का चरण स्पर्श कर चला आया। लगातार 3-4 दिनों तक केशव चंद्र सेन के साथ काफी व्यस्त रहा मैं, लेकिन मस्तिष्क में बराबर गूंजते रहे उनके एक एक शब्द। इस प्रकार के भी घर गृहस्थ साधक होते हैं, इसकी कल्पना भी नहीं की थी मैंने। सेन ने मुझे बतला दिया था कि हर समय चिंतन मनन और ध्यान में डूबे रहते हैं किशोरी बाबू, इसके अलावा काम ही क्या है उनके पास। मैंने मन ही मन सोचा, तब तो मेरी उनसे खूब पटेगी। ऐसा ही हुआ, एक दिन समय निकाल कर चला गया। मुझे देखते ही प्रसन्न हो उठे किशोरी बाबू। हंसते हुए बोले, आओ आओ शर्मा जी, बहुत अच्छे समय पर आए, तुम्हारी प्रतीक्षा ही कर रहा था मैं। फिर उन्होंने नौकर को चाय लाने के लिए आवाज दी। नौकर चाय ले आया। एक घूंट पीते ही मन हल्का हो गया। चाय का प्याला टेबल पर रखते हुए मैंने धीरे से पूछा, आपके उपास्य कौन है? आदिशक्ति महाकाली, उन्हीं का आश्रय लेकर मैं हर समय गुरुस्मरण तथा अग्निस्मरण करता रहता हूं। मानव शरीर में सर्वोच्च शक्ति महाकाली कुंडलिनी के रूप में विराजमान है। ऐसे ही एक और शक्ति है मानव शरीर में, और वह है काम शक्ति। काम शक्ति दो अलग अलग शब्दों से बना है, पहला है काम शब्द और दूसरा है शक्ति शब्द। तंत्र में काम शिव रूप है और शक्ति है शिवारूप, यानी शिव शिवा। शक्ति रूपा शिवा ही महाकाली है। महाकाली शिव पर आरूढ़ है, जिसका अर्थ है काम पर विजय। यह विजय इस बात का संकेत है कि काम वासना पर तन से, मन से, आत्मा से विजय प्राप्त करने वाला साधक ही कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकने में समर्थ है। कुंडलिनी शक्ति ब्रह्म रूपा है, जिसमें सूर्य, चंद्र, अग्नि के रूप में इच्छा, ज्ञान और क्रिया, अथवा मन, प्राण और वाक में तीनों शक्तियां समाहित हैं। मैं अग्नि की उपासना अपनी साधना क्रिया में करता हूं। प्रारंभ में मेरा कोई गुरु नहीं था, और न तो कोई था पथ प्रदर्शक ही। जो कुछ इस दिशा में करता था अपने मन से करता था। 26 वर्ष की आयु में मेरा विवाह हुआ। पत्नी का नाम था कात्यायनी। पत्नी सुशील, विनम्र, आज्ञाकारिणी और पतिपरायणा सिद्ध हुई। ऐसी पत्नी का मिलना आज के युग में दुर्लभ है। भाग्यवश मिल भी गई तो अधिक समय तक साथ नहीं देती। ऐसा ही हुआ, दो पुत्रों की मां बनने के बाद एक मामूली बीमारी में वह मेरा साथ छोड़कर हमेशा के लिए चली गई संसार से। उस समय मेरी अवस्था 30 वर्ष थी। परिवार में वृद्ध माता पिता के अलावा और कोई नहीं था, इसलिए अकेले दो बच्चों को संभालना कठिन था मेरे लिए। लोगों ने दूसरी शादी करने की सलाह दी। 2-3 लड़कियों को भी देखा मैंने, लेकिन आत्मा ने स्वीकार नहीं किया। आत्मा को तो चाहिए था कात्यायनी जैसी, वह कहां संभव था। मां महामाया को मेरा क्लेश देखा न गया। मेरी मौसेरी बहन आ गई, विधवा थी वह, बाल बच्चे थे नहीं। मेरे बच्चे को अपना समझकर पोषण करने लगी वह। निश्चिंत हो गया मैं। साधना में जो बाधा थी वह दूर हो गई। मैं प्रायः सायंकाल गंगा तट पर चला जाता और वहां एकांत में बैठकर घंटों ध्यान मग्न रहता। समय का ख्याल ही नहीं रहता मुझे। संसार, समाज, परिवार आदि से विरक्त हो गया था मैं। मेरे जीवन में शून्य के सिवाय और कुछ नहीं रह गया था। उन्हीं दिनों नवद्वीप में मुझे सन्यासी मिले। युवक थे, नाम था शिवचरण शाक्त। शायद तांत्रिक सन्यासी थे महाशय। बोले, बिना गुरु के कुछ नहीं होगा, इसी प्रकार भटकते रहोगे तुम। गुरु मिलेंगे कहां? खोज करो। खोज करने पर क्या नहीं मिलता? कहने की आवश्यकता नहीं, गुरु की खोज में निकल पड़ा। न जाने कैसे तारापीठ पहुंच गया मैं। तो दोस्तों, इस कहानी का पाठ यही समाप्त होता है। अब सवाल यह है कि क्या किशोरी बाबू अपने गुरु को ढूंढ पाते हैं? अगर ढूंढ भी लेते हैं तो क्या वह उनकी साधना कर पाएंगे? इन सवालों के उत्तर अगले पार्ट में आपको मिल जाएंगे, और अगला पार्ट ही इस कहानी का लास्ट पार्ट है। कहानी आगे बहुत ही ज्यादा रहस्यमय और रोमांच से भरी हुई है, तो मैं आपको अगले पार्ट का ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करके अपना प्यार कहानी को दें, और बताएं कभी आपने श्री अरुण कुमार शर्मा जी की यह कहानी पढ़ी या सुनी है। और ये भी बताएं आप हमारी कहानी कहां से सुन रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि ऐसी ही कहानियां हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। मिलते हैं हमारी इस कहानी के अगले पार्ट में। जब तक आप अपना ख्याल रखिए।